अरे 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 भाई 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 भाई, ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर कौन है? ड्राइवर? अरे अरे मत मारिए यार, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अरे भाई मत मारो यार मत। सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइज। एंड सो सब आई होप कि सब बढ़िया होंगे गाइज, और बढ़िया ही रहना पूरा फुल पावर तबाही के साथ गाइज। एंड गाइज देख रहे इस ब्लॉग की, तो फिलहाल शुरुआत कर रहा हूँ रोड से। एंड अभी का टाइम देखो यार, 1:49 हो रही है फिलहाल गाइज। गाइज अभी तक हम लोग पारसनाथ राइड भी शुरू नहीं किए, अभी से ही मेरे को क्यों लग रहा है कि मेरा बेल्ट फिर से टूटने वाला है गाइज, क्योंकि साउंड यार अजीब कर रहा है। और गाइज यार मेरा तो स्पीड भी पूरा कम हो गया अपना गाड़ी का, 88 से ज़्यादा यार जाता ही नहीं है गाड़ी मेरा आजकल, पता नहीं क्यों गाइज। पहले स्टार्टिंग जब बेल्ट में चेंज करवाया था गाइज तब तो अच्छा खासा स्पीड जाता था, बट यार अब तो नहीं जा रहा है पता नहीं क्यों। तो वही सोच रहा हूँ जाके एक बार चेक करवा लूँ कहीं बेल्ट से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है फिर से, क्योंकि यार मैं न्यू बेल्ट लगवाया था गाइज ओरिजिनल वाला, आप लोग तो देखे ही होंगे ब्लॉग में, मैं शोरूम से जा करके लिया था। तो देखो क्या होता है गाइज, आने के बाद ही पता चलेगा, अगर फिर से बेल्ट प्रॉब्लम हो रहा होगा यार तो पता नहीं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। गाइज इतना प्रॉब्लम होती है ना मेरे साथ, क्या बोलोगे, एक प्रॉब्लम यार ठीक करवाता हूँ कि नहीं दूसरा सीन मेरे साथ क्रिएट होकर आ जाती है गाइज, आप ही लोग बताओ आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। और गाइज हम लोग एक या दो दिन के बाद निकलने ही वाले थे अपना राइड के लिए गाइज पारसनाथ, जो यहाँ से करीब, और यहाँ से करीब गाइज 170 किलोमीटर है गाइज पारसनाथ हिल, तो हम लोग निकलने ही वाले थे। तो फिर साउंड यार मेरे को कल पता चला जा करके, तो गाइज मेरे को कल वाला ब्लॉग में पता चला कि यार मेरा गाड़ी का स्पीड ही पूरा कम हो गया, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे को लगा यार कहीं राइड करने निकलूँगा यार तो कहीं धोखा ना मिल जाए, इसलिए चलो एक बार चेक करवा लेता हूँ, अगर ज़्यादा फिर से प्रॉब्लम हो रहा होगा बेल्ट में तो गाइज सोचा चलो चेक करवा लेता हूँ एक बार, बेल्ट देख लेता हूँ, बेल्ट अगर सही होगा गाइज तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डर भी नहीं रहेगा। और अगर गाइज बेल्ट में कोई फॉल्ट होगा यार तो मैं फिर से चेंज करवाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये तो फिलहाल अभी निकल गया होगा गाइस जाने के लिए, तभी सबसे पहले चलो मेरे को फ्यूल अप करवाना है अपना गाड़ी में, तो फ्यूल अप करवा लूँगा आगे से जा करके। चलो तो चलो गाइस फिलहाल तो फ्यूल अप करवा लिया हूँ अपना गाड़ी पे, तब निकलता हूँ सबसे पहले गैरेज के लिए गाइस। और गाइस अभी का टाइम देख रहे हो आप लोग, 2 बजने वाला है, सिर्फ 6 मिनट बचा हुआ है, तो आप लोग सोच सकते हो गाइस दोपहर में कितना खतरनाक वाला गर्मी रहता है। अरे चचा क्या कर रहे हो भाई, घुसा दो यार, बंदा लोग बिना हेलमेट का कैसे चलता है रोड पे, तोलिया ढका ढका के जा रहा, बट यार हेलमेट नहीं पहन सकता, बहुत खतरनाक धूप है यार, और ऐसे ट्रैफिक मिलेगा तो कैसे होगा ना। अरे भाई और ट्रैफिक देख रहो, यही ट्रैफिक मेरे को सही नहीं लगता, रुकना पड़े जाता है ना, ये ट्रैफिक सबसे बहुत परेशान हो। शाम का समय रहता तो चलो कोई बात नहीं, बट इतना धूप है ना गाइज कहीं पर रुकने का मन नहीं करता, सटा दो भाई, देख रहे हो सटा ही दिया था पूरा, मेरा भी गलती है यार, मेरे को इधर से पास नहीं लेना चाहिए था। अरे ब्रेकर है यार मैं तो भूल गया था, अरे 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 भाई 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 भाई, लगा नहीं ना जी, अरे भाई गाड़ी उठाइए गाड़ी उठाइए, क्या बंद कीजिए ना गाड़ी, गाड़ी बंद कीजिए, गाड़ी बंद कीजिए, साइड कर दीजिए छोड़िए, रुके 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 आगे कीजिए ना, गाड़ी बंद ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बंद, छोड़ दे, हो गया हो गया हो गया, साला कैसा गाड़ी चलाता है, कार वाला कहाँ, ड्राइवर कहाँ, ड्राइवर कहाँ, ड्राइवर कौन है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। अरे यार खतरनाक, आग के सामने यार मार दिया, चोट उठने ना लगा, गलती पूछ रहा है हमसे, गलती पूछ रहा है, चाहे क्या हुआ है पूछ रही है, अभी तुमको देने लगी ऊपर से नीचे तो गलती सारा नजर आ जाएगा,
ब्रेकर है ना भैया यहाँ पे, ब्रेकर था तो स्पीड में जाएगा, सही होता है, गाड़ी कोई भी आके चढ़ा के चला जाएगा, ये पीछे से ठोक रहा है, अरे अरे मत मारिए यार, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, गलती क्या बोल रहा है, आप तुमका तुम्हारा गलती क्या है नहीं मालूम, हाँ तो तुम, अरे भाई मत मारो यार मत, अरे कुछ नहीं मालूम है, चल जा रहा खर्चा निकल, पीछे से मारा, पीछे से, पीछे से मारा है जी, चाबी लीजिए, चाबी लीजिए ना, चाबी नहीं 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 पीछे से मारा, पीछे से मारा, पीछे से, चलो ठोकर हुआ, छोड़िए छोड़िए, खाने के लिए लेके आ रहे हैं, खर्चा जो है उसको भर दीजिए, खर्चा दे दीजिए उसका, उस गलती तो देखिए आप ही लोग का है, अरे यार देख रहे पूरा घेस दिया यार, इतना समझ में नहीं आ रहा है, उतर के बोल, बच गया यार, चलो काफी है गाइस यार, चोट उट नहीं लगा यार, तो गाइस यार चोट तो नहीं लगा यार, चलो वरना बहुत यार अचानक में देखा था गाइस, डर गया था यार, इतना खतरनाक वाले पीछे से ठोका था ना ये कार वाला, और जो ड्राइवर है यार पूरा नशा में है गाइस, पूरा नशा में पेशेंट लेके जा रहा यार, और ऐसे करता है बताओ आप ही लोग, मेरा आँख के सामने जस्ट आप लोग देखे ही होंगे कैमरा में गाइस कितना खतरनाक, और हेलमेट भी ऊपर से नहीं पहना हुआ था अंकल, चलो चोट तो कहीं तो नहीं लगा, अच्छा हुआ चलो चोट नहीं लगा कहीं, बस गाड़ी थोड़ा सा डैमेज हुआ आगे का जो वाइजर वो सब, तो खर्चा तो ले लिया है क्योंकि यार कार वाला का गलती था गाइस, ब्रेकर है जस्ट यार वो पीछे से यार ठोक दिया डायरेक्ट, ब्रेकर है भाई देख के करो धीरे, ब्रेकर में सब उड़ा के थोड़ी ना पार करता है भाई, अचानक से मैं डर गया था गाइस, मेरे को लगा यार कहीं चोट तो नहीं लगा, बस इसी चीज़ का डर था कि चोट नहीं लगना चाहिए, तो गाइस चलो गैरेज तो पहुँच गए थे, दिख लो आते यार आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, चेक करवाते हैं, पिकअप पूरा कम हो गया गाड़ी का, पिकअप पूरा कम हो गया गाड़ी का, हाँ कितना टाइम लगेगा, एक घंटा बाद, तो बस हमको बेल्ट, बस इसको खोल के बेल्ट चेक कर दीजिए ना, बेल्ट में प्रॉब्लम नहीं ना, तो नहीं तो मेरे को लग रहा फिर से टूट उठ गया इसलिए पिकअप कम हुआ, अरे बस खोल के बस चेक कर दीजिए ना, कहाँ बोलता है यार, एक घंटा यार उतना टाइम ही नहीं है मेरे पास भैया, आप खोल नहीं सकते, हट यार छोड़ दो भाई, एक घंटा टाइम, हाँ पिकअप कम हो गया गाड़ी का, 85 जाता, उससे ज़्यादा नहीं जाता है, हाँ क्या बोले यार इन लोग, एक घंटा बोल रहा अब, एक घंटा यार हमारे पास टाइम नहीं है गाइस, और भी काम है यार मेरे को, इसलिए इतना धूप में निकला हूँ, वरना शाम में नहीं आता मैं, काम के कारण गाइस यार इतना धूप धूप घूमता हूँ यार ब्लॉग बनाने के लिए, और इन लोग काम भी नहीं करता, क्या बोलोगे ना, अगर वो इतना ही गाइस मेरे को फुर्सत रहता तो यार शाम में आराम से नहीं आता, इतना धूप में क्यों आता, आप ही लोग बताओ, आगे देखता हूँ गाइस और एक ग्रेज है, इतना खतरनाक गाइस गर्मी लग रहा है ना, मेरा पूरा चेहरा भीग गया है, पूरा चेहरा मेरा भीग गया गाइस, हेलमेट उलमेट सब भीग रहा होगा यार मेरा चेहरा का पसीना से, और हवा भी चल रहा है गाइस, तो सिर्फ गरम गरम हवा चल रहा है, ठंडा हवा चलो यार, इतना गरम गरम तो यार इतना झिला रहे ना यार, पूरा हाथ वहाँ तो पूरा काला हो ही गया गाइस, कुछ दिन बाद पूरा बॉडी ही काला हो जाएगा, इतना धूप में घूमता ही हूँ ना गाइस, आप लोग तो देखते हो कितना धूप धूप में दिन भर घूमते रहता हो, घूमता तो नहीं हो काम से ही निकलता हो, अरे यार यहाँ तो मिस्त्री लोग भी सुत्ते ले सब, इतना धूप है कोई कस्टमर नहीं है शायद, भैया अरे अंकल वो जो स्कूटी है ना एंटोर्क उसका बेल्ट चेक करवाना था, बेल्ट जो लगता है ना वो,
वही मतलब ना पिकअप कम हो गया, तो वही हमको देखना है वो कहीं टूट टूट नहीं ना गया। चलो यार यहाँ खाली भी है, तुरंत काम भी हो जाएगा अपना। गाइस चढ़ा देता हूँ यहाँ। ओ ओ भाई चक्का स्केट कर रहा है, बढ़िया बढ़िया। चलो सही है। ओ ओ हाँ क्या ची बोले? हाँ कैमरा लगा हुआ है, ब्लॉग बनाते हैं, यूट्यूब में डालते हैं। तो चलो गाइस इंजन से तो यार जिसके पास जा रहा हूँ वो बोल रहे इंजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेल्ट भी सही है। इसका वायरिंग, इसका गाइस जो बेयरिंग होता है यार उसमें फॉल्ट आ रहा है कि वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है। और गाइस आप लोगों को टोटल खर्चा मैं बता देता हूँ कितना बोले ये अंकल, टोटल यार 350 रुपया बोले सब कुछ पूरा फुल्ली सब कुछ करवा के, पूरा फुल्ली करवा गए 350 रुपया बोला यार। तो उतना पैसा तो लेकर के अभी मैं आया नहीं हूँ तो कैसे खुलवा भी कैसे सकता हूँ यार, जब खुलवाऊंगा तो एक ही बार सब कुछ चेंज भी करवाऊंगा ना। मैं तो गई सिर्फ एक मकसद से गया था कि अपना बेल्ट चेक करवाना है मेरे को। और गए बेल्ट तो यार जो गैरेज जा रहा हुआ गैरेज वाला बोल रहा यार बेल्ट सही है, बेल्ट में कोई फॉल्ट नहीं है। तो क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो बेल्ट में कोई फॉल्ट नहीं है तो गाड़ी में भी बंद नहीं होगा कभी, टेंशन नहीं है। बेल्ट से गाइस इसलिए मेरे को डर लगता है क्योंकि यार कहीं पे जाता हो धोखा मिल जाता है ना, फिर गाड़ी भी नहीं बढ़ता आगे। कम से कम यार धीरे धीरे बड़े घर तक तो पहुंचा देता कम से कम, ऐसा होता है ना गाइस एक्सीलेटर तो लोगे यार बट आपका चक्का ही नहीं घूमेगा। और गाइस पूरा मेरा गला सूख गया यार, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरा गला सूख गया। आप लोग से बात कर करके पर पूरा गला सूख जाता है, इतना धूप ही है ना गाइस, पानी बहुत ज़रूरी है यार इतना धूप में। तो फिलहाल गाइस अभी तो ले लिए हम लेमन जूस शेक दिस आउट, तो चलो इसको पीते यार कहीं पे आराम से छाया जगह में बैठ के गाइस। तो भाई क्योंकि गाइस बहुत ज़रूरी है यार ये सब, इतना धूप में घूमते हैं गाइस यार कुछ यार, अपना लोकेशन पे पूरा डेटिंग चल रहा है गाइस, इधर आता ना मार हो जाता भाई। चलो इधर तो नहीं है बंदा लोग, कोई नहीं है इधर यार, देखो पूरा पानी भी सूख गया गाइस नदी का, देख रहो। अरे यार मैं ब्रांड न्यू टी वी एस एंटोर गाइस, पूरा डेटिंग चल रहा है यार। मैं सोचा था एक बार उधर ही चलूँगा, फिर बोला नहीं यार मैं अपना लोकेशन पे रहूँगा। ये लोकेशन गाइस आप लोग कैसा लगता है आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके चेक दिस आउट। उसको निकालता हूँ जल्दी जल्दी पीता हूँ फिर घर की ओर निकलता हूँ गाइस, क्योंकि गाइस मेरे को अभी घर जाके कुछ काम भी करना है। तो चलो पीते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय। तो गाइस फिलहाल तो अभी जो लेकर के आए थे हम यार जूस नींबू वाला वो तो पी लिया पूरा फुल पावर में गाइस, यार मज़ा भी आ गया पी के यार, पूरा दिल को यार बहुत शांति मिला गाइस पिए तो। गाइस मेरे को तो गर्मी लगता है बट क्या करोगे यार, मेरे को निकलना ही पड़ता है, इतना ज़्यादा हवा तेज चल रहा है ना गाइस क्या ही बताओ आप लोगों को यार। आप लोगों को तो गाइस मेरा बाल देख के पता चल रहा होगा कितना तेज़ यार हवा चल रहा है गाइस, बहुत खतरनाक वाला हवा चल रहा है, तो मज़ा भी आ रहा है फिलहाल यार। तो गाइस चलो इस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पूरा फुल पावर तबाही के साथ गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू गाइस, पूरा फुल पावर तबाही, बाय बाय, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, बाय बाय।